सर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप पुष्प मालिका सद्गुरु जी महाराज के गले में डाल के उनको एक आदर सम्मान बोलिए श्री सद्गुरु जी महाराज चमन जी को मैं पहले भी सुन चुका हूं और इनका नाम काफ़ी जो है सुना है और इनको हम काफ़ी सुन चुके हैं। आज मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि एक गुरु वंदना इन्होंने गाई है और ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। चमन लहरी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और जहां तक आपने रियासी के टैलेंट की बात की इसमें कोई शक नहीं है। रियासी में इतना टैलेंट है कि यहाँ बाहर से कलाकार बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने एक यहाँ पर कार्यक्रम किया, हमने यहाँ के लोकल जितना भी यूथ था जो डिफरेंट टैलेंट जिनके पास था हमने सबको मौका दिया और उन्हीं से हमने एक बड़ा बड़ा प्रोग्राम कराया। मैं इनको बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे इसी लगन से अपना काम करते रहेंगे। मैं इनको बेस्ट विशेज देता हूँ। तो सर पुलिस द्वारा भी क्या कुछ और प्रोग्राम भी इस तरह के करवाए जाएंगे आने वाले दिनों में? अभी कैप में हमें पिछले दिनों हमने एक प्रोग्राम कराया था, क्रिकेट का हमने टूर्नामेंट कराया। अभी कोविड के रिलेटेड हम यहाँ पे अवेयरनेस करा रहे हैं, कुछ कोविड किट्स हम बीपीएल फैमिलीज में बांटेंगे, कुछ स्टेशनरीज बांटेंगे, मार्टियर्स के लिए कुछ स्विंग मशीन्स हमने लाई हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके अलावा भी हम देखेंगे आने वाले टाइम में कुछ प्रोजेक्ट किए हैं हमने प्रोग्राम से, कलाकारों के लिए भी मैंने एक प्रोग्राम प्रोजेक्ट किया हुआ है। जैसे उसमें अप्रूवल आएगा कुछ ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे और यहाँ के कलाकारों को मौका देंगे। हम इस भजन में बाकी भजनों से थोड़ा डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये कि मेरे सद्गुरु जी महाराज किसी को अलाउ नहीं करते हैं कि मतलब उनकी वीडियो बनाई जाए या उनको किसी उनका फ़ोटो खींचा जाए या टीवी में उनको लाया जाए, मीडिया से दूर रहते हैं वो। उन्होंने इस भजन में मुझे अलाउ किया है, मुझे उन्होंने आज्ञा दी कि इस वीडियो बनाने की और उनकी वीडियो बनी है, उनको उन्होंने वीडियो में अपना जो है वो आशीर्वाद दिया है, खुद भी वो वीडियो में रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मुंबई से लेके जम्मू से लेके पूरा भारतवर्ष बहुत सारे उनके शिष्य परिवार हैं जो फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं और वो शिकवे कर रहे हैं कि गुरु जी आपने एक लड़के को मौका दे दिया, उसको आगे कैसे दे दी, हमें नहीं दी। तो उनकी अपार कृपा मैं समझता हूँ कि मुझ पर हुई है और इस भजन में एक सुकून है, एक ठहराव मैं समझता हूँ वो चीज़ है और इस भजन में सच्चाई है, सच है। इसमें जो स्टोरी दिखाई गई है वो मेरी लाइफ की हकीकत जो है वो स्टोरी है कि उनसे उनके साथ उनके उनके पास आने से पहले, उनके आशीर्वाद से पहले मैं क्या था और बाद में क्या हुआ, आज मैं जो भी हूँ उनके आशीर्वाद के सदके। मुझे हमेशा से यही लगता है कि मेरा जो जन्मभूमि मेरा रियासी जो है, जो मेरा जम्मू है, जो मेरा जम्मू कश्मीर है, इससे खूबसूरत कोई भी दूसरा स्टेट नहीं हो सकता। हालांकि पूरे स्टेट ही खूबसूरत है और पूरा भारतवर्ष मेरा बहुत खूबसूरत है और कुल मिला के बात करें पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन सबसे खूबसूरत मेरी अपनी रियासी है, हमारा जम्मू है। बाहर से फिल्म की शूटिंग्स के लिए लोग जो आते हैं वो यहाँ पर शूट करते हैं और हमारे लोकेशन को चूज़ करते हैं और हम हैं कि वो कहते हैं ना कि घर के जोगी जोगड़े बाहर के जोगी सिद्ध, वही हालत है। हमें अपने पास क्या है उसका एहसास बहुत कम है कि हमारे पास कैसी कैसी लोकेशंस हैं। उस लोकेशन को कैमरे की नज़र से देखेंगे तो पता लगेगा कि उससे खूबसूरत तो लोकेशन कोई और हो ही नहीं सकती। आप देखेंगे इस भजन का जो शुरू जहाँ से होता है ड्रोन शॉट से, तो इतना खूबसूरत लगता है कि कई लोगों ने पहचाना नहीं कि ये उनका अपना ही रियासी है। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, अपनी प्रोडक्शन है मेरी चमन लहरी प्रोडक्शन, मेरे सारे गाने उसी प्रोडक्शन से आने वाले हैं और ये मेरा सद्गुरु प्यारे प्यारे चमन लहरी प्रोडक्शन से है। तो मैं मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि आप प्लीज़ मेरी सपोर्ट कीजिए और चमन लहरी प्रोडक्शन को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको ये भजन कैसा लगा, आपके वो रिव्यूज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं क्योंकि इन फ्यूचर आपके जो विचार हैं आपको कैसा लगा
ये हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जो कमी रह गई हो वो उसको हम ठीक कर सकें। जब मेरे सदगुरु की कृपा हुई थी तब से हम आनंदित ही चलते आ रहे, और ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे इस शरीर और वाणी द्वारा जो कुछ भी हो रहा है ये सब उनकी इच्छा से हो रहा है, और वो इस संसार में सुखद संतेश और कल्याण के मार्ग को ही प्रशस्त करने के लिए ये सब कुछ है। और भक्ति भाव है जनता को, शिष्य गणों को सत्य सनातन की पद्धति को और फिर शिव के साथ जोड़ने के लिए, ये एक बड़ी कृपा मेरे सदगुरु की है कि जो शब्दावली और स्वर जो कुछ भी इसमें लगता है उन्होंने सब ऊपर से ही बना करके मेरे सदगुरुदेव जी ने भेजा, और इसका चयन भी उन्होंने करके ही भेजा, तो इसको वही प्रेरणा दे करके लाए थे। और भी नई नई भजन रचनाएं कुछ लिखी गई हैं तो सब मेरे आत्मीय ही हैं सज्जन बच्चे, तो मैं कहूँगा कि वो अपना अपना स्वर दे करके शब्दों को श्रृंगारें और मधुर बना करके लोगों के कानों तक पहुँचाएँ, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये ऐसे समारोह ऐसे कार्यक्रम आपके इस दरबार में होते रहें। अब तो हम सूरज अस्त होने को जा रहे हैं लेकिन बहुत कुछ है, मुझे भी उन्होंने वो कृपा दी है। अगर कोई कलम पेन लेकर के मेरे साथ चलता, कागज़ लेकर के, तो ना जाने कितनी किताबें लिख लेता, लेकिन संग्रह करने वाला कोई नहीं था। हम भी लापरवाह और मस्त जीव हैं, तो बस जो लिख लिया जाता है वो रह जाता है, जो बोल दिया और भूल गया वो छूट जाता है। हम प्रयासरत रहेंगे बच्चों को ये प्रसाद हमारे पास जो सद्गुरु का आता रहेगा हम कोशिश करेंगे बांटते रहेंगे, और ये अपना जीवन आनंदित करते रहें और जीवन को सफल करके सद्गुरु के श्री चरणों में फिर प्राप्त हों, ऐसी मेरी इच्छा और ऐसा मेरा भाव है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस मेरे सद्गुरु ही कृपा करते हैं। मैं कठपुतली की तरह नाचता हूँ, जैसे उनके आदेश आते हैं वैसा होता है। हम तो आखिरी श्वास तक ये शुरू से लेकर के ये मेरा गीत संगीत और ये लिखना मेरा सब्जेक्ट ही रहा है, तो मैं आखिरी श्वास तक ये प्रयत्न और प्रार्थना करता रहूँगा। मैंने बच्चों से कहा है अगर ये शरीर जब शांत भी हो जाएगा तो मृतक देह के साथ भी जो कान लगाएगा तो हड्डियों में से आवाज़ कुछ ना कुछ निकलेगी, यही भाव उत्पन्न होंगे।